अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाचा वाला मिलियनेयर। मुझसे ना हज़ारों बच्चों ने पूछा ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कि आज़ाद भाई मुझे बताएं कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा पैशन क्या है। बेसिकली इसका जवाब आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि वो चीज़ जिसमें आपको करने में काम नहीं महसूस होता, यू लव डूइंग इट, वक्त का पता नहीं चलता। मैं बहुत बार बयान कर चुका हूँ कि जब मैं काम पर आता हूँ या ऑफिस आता हूँ, आई डोंट फील लाइक मैं काम जा रहा हूँ। घर वालों को ये बताया होता है कि यार बड़ी थकावट होगी, बड़ा थका हूँ, बड़ा काम है, लेकिन आई रन टू द ऑफिस। इस तरह जिस तरह बचपन में मैं स्कूल से आया करता था ना, तो मैं उन बच्चों में से था जो लेट घर पहुँचता था, बिकॉज हमारा जो स्कूल है 1 घंटा दूर था हमारे घर से। करीबी वाले जो लोकल स्कूल वाले बच्चे थे वो घर जाके खा पी के ग्राउंड में कपड़े तब्दील करके आ जाया करते थे, और हमारी गाड़ी वहाँ से गुजरती थी, मैं उनको देखता था और मेरा दिल करता था यहीं से छलांग मार के उनके साथ जाके खेलने लग जाऊँ। बट हमें घर जाना पड़ता था, हाजिरी वहाँ पे देनी पड़ती थी, गाड़ी वहाँ पे रुकती थी, लेकिन फिर भी अम्मी और फूफो के कहने के बावजूद उनके पीछे से आवाज़ें आ रही होती थी कि कुछ खा लो, सही खाया नहीं है, कपड़े नहीं तब्दील किए। हम भागे भागे ग्राउंड तक पहुँचते थे और वहाँ पे रहते तो चंद घंटे ही थे शाम के होने तक, लेकिन अगर कुछ दिन भी मिल जाते वी वुड हैव नेवर फेल्ट थकावट, हमें कभी ना महसूस होती, ना हमें किसी और चीज़ की दुनिया में फिक्र होती। दैट इज़ वॉट पैशन इज़। लेकिन ज़िंदगी की एक हकीकत है, बावजूद मैं इसके आपको ये कहानी सुनाने के दैट्स हाउ आई फील अबाउट माई वर्क, ये थोड़ा सा झूठ है। मेरे काम में भी 20-25% ऐसी चीज़ें हैं दैट आई डोंट लाइक, करनी पड़ती हैं। लाइफ कैन नॉट बी ऑल अ ड्रीम जॉब, कुछ ना कुछ आपको क्या कहते हैं सात कांटे भी वो चखने पड़ते हैं। खैर, पैशन कुछ भी हो सकता है। हमारी सोसाइटी में ना एक नॉर्म सा हमें बताया गया है, यू मस्ट पढ़ाई लिखाई आपने करनी है, डिग्री लेनी है, फिर जॉब करनी है, और हाँ कितनी बोरिंग हो, पैसा ऐसे कमाना है, और इंजॉयमेंट आप सिर्फ वीकेंड को कर सकते हो। दैट थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू ऑन द वीकेंड इज योर पैशन। ठीक है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप बैठ जाओ फेरिस बनाना शुरू कर दो तो यू विल कम एंड राइट दोज थिंग्स कि यार मुझे फलां फलां चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें पैसा कहाँ है, उसमें पैसा है लेकिन आपने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की, बिकॉज घर वाले नहीं मानेंगे। यार ऐसे कौन करता है, मैं आपको बता दूँ, आई नो पीपल जो खाने वाले कॉन्टेंट्स में यानी खा पी के हिस्सा ले के पैसे कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं। मुझे ऐसे लोगों का पता है जो टिकटॉक पे स्लो मो करके ना पैसा कमाते हैं। यार इधर मुदस्सर बैठे हुए थे, आज उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, वो याद है मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट लव बर्ड्स, ये भी लव बर्ड्स पालते हैं, मुझे तो अजीब ही ये लोग नज़र आते हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाया था आपके लिए बिकॉज ये अजीब लोग इसमें से पैसा कमा रहे हैं। ही केम एंड शोड मी, ये पता नहीं फलां फलां आँख वाली फलां फलां तोती जो है ना मैंने आज बेची है 20,000 रुपये की। लोग अजीब अजीब चीज़ों में से पैसा निकालते हैं, दैट इज़ देयर पैशन। उसको वो काम नहीं लगता, वो वैसे ही जानवर पालने परिंदे पालने का शौक रखता है। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। और अगर बैठ भी जाओगे राइट, लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि आई वुड से कि 2-3 बंदे अपने साथ बिठा दो, रिश्तेदार दोस्त यार, दैट कैन गिव यू क्लूज, यार आप वो भी तो अच्छा है ना लगता है ना आपको, वो करना ये वो एक्सेट्रा। या अगर उस लिस्ट में अगर कुछ डालना है तो वो चीज़ें डालो, द स्किल्स जिसकी वजह से आपको दांत मिलती है, क्योंकि आपको दांत मिलती है थिंक हाउ यू फील उसके बाद, यार मुझे तो मज़ा आता है वो जब दांत मिलती है, परहैप्स दैट समथिंग, क्योंकि आप वैसे ही उसमें ठीक ठाक हो, वो आपका पैशन बन सकता है क्योंकि आपको दांत भी मिलती है, यू नो हाउ टू डू इट। तीसरी क्या चीज़ रहेगी, इससे मैंने पैसे किस तरह कमाने हैं, तो दैट्स द 3 कनेक्शन जो आपको जोड़ने पड़ेंगे। एंड अगर आप समझते हो कि यार आपके पास इतनी सोचने के बावजूद भी कोई चीज़ नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि आपके पास ज़िंदगी में इतने तजर्बे नहीं हैं दैट यू कैन पुट योर उंगल एक चीज़ पे, यार इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैं फर्म बिलीवर हूँ कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ो एंड टेक आउट टाइम, थोड़ी दलेरी अपने में पैदा करो टू गो ट्राई न्यू थिंग्स, नए एक्सपीरियंसेस, नए खाने, नए बंदों से मिलो, और खुद ब खुद इंशाल्लाह आपको उसमें कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी जिसको आप ज़िंदगी भर का करियर बना सकते हो, ज़िंदगी भर का वो आपका पैशन बन जाएगा एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट। और जब आप कोई चीज़ करते हो जिसमें आपको मज़ा आता है, आपको वो काम नहीं लगती, आप उसकी इंतहा तक पहुँच जाओगे, और जब आप उसकी इंतहा तक पहुँच जाते हो यू मेक अ लॉट ऑफ मनी।
आपको शोहरत मिलती है। शोहरत कैसे मिलती है यार, ही इज़ द बेस्ट, ये बेस्ट आर्किटेक्ट है, ये बेस्ट भाई एक्टर, ये बेस्ट स्लो मो वॉकर है, या ये बेस्ट यार लव बर्ड ब्रीडर है। मजाक नहीं, सीरियस दुनिया की चीज़ बता रहा हूँ। और आपका जो सबसे अल्टीमेट टेस्ट होगा वो ये होगा कि सोचे कि मैं 80-85 साल की उम्र का पहुंच गया, कि कुर्सी पे बैठा हूँ, अकेला बैठा हूँ, कौन सी नदामतें हैं मेरे पास कि यार ये मुझे करना चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। जो भी उस वक्त आपके जहन में आ रहा है ना कि ये मुझे करना चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, दैट थिंग इज़ योर पैशन, दैट थिंग इज़ जिसको आपको अपना लेना चाहिए, अपने में वो ब्रेवरी बहादुरी डालनी चाहिए कि रिगार्डलेस कि मैं सोसाइटीज़ के नॉर्म्स के बरक्स बरक्स जा रहा हूँ, या जो अम्मी अबू कहते हैं, या जो वट एवर पीपल थिंक ऑफ मी कि यार ऐसे नहीं किया जाता, इससे पैसे नहीं कमाए जाते, गो डू इट। खासतौर पर जब आप यंग हो, जब आप यंग होते हो यू हैव टाइम टू टेक रिस्क, ठीक है, वो टाइम रिस्क लेने का होता है, वो टाइम खोते जैसे काम करने का होता है, वो अपने आप को शार्प करने का, तेज करने का होता है। एंड वास्ट मेजोरिटी मेरे देखने वाले आर वेल अंडर 30, ये मौका गंवाना नहीं है आपने, ओके, ताकि आप भी जब इंशाल्लाह 85 के पहुंचते हो, यू गो हेल या मैं जिंदा था, मैं रहा हूँ, एंड आई डैम वेल एंजॉयड इट, ठीक है। तो लाइक आज़ाद भाई रिटायर्ड 26, 27, 30, कोई पता नहीं कब रिटायर हुआ हूँ, बट आई डोंट फील लाइक कि मैं काम कर रहा हूँ। जब काम कर भी रहा था तब भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता, एंड आई वॉन्ट द सेम थिंग फॉर यू, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, एंड गो डू वॉट यू एब्सोल्युटली लव, ताकि उसमें आप छा जाओ और खुले पैसे कमाओ। कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।